ये नोली किया है, कंफर्म कंफर्म नोली किया है, चैलेंज कर रहा हूँ। इमरान खान क्या करता तो आपको अच्छा लगता, चलो ये बता दो। मतलब आपको अच्छा लगना ही नहीं है, वो जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। निकला ना नोली की, मैंने कहा था ना नोली किया। हाँ जी जी प्यारे पाकिस्तानी, इतनी आवाम में कोई प्यारा पाकिस्तानी, प्यारा पटवारी के इंसानों के हाथ होते हैं पंजे नहीं, शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं। शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं, कौन सा शेर गंजा है? मैंने मैं नेशनल जियोग्राफी देखता हूँ, वहाँ तो भाई शेर गंजा नहीं होता भाई। भाई साइड पे जाके गप लगा लो ना, भाई साइड पे जा। आप किस पार्टी से हो, किस पार्टी से? मौलाना फजल रहमान से। बोलो ना, आगे आओ ना, उधर उधर बहस कर रहे हो, आगे आओ मौलाना फजल रहमान साहब। ये शर्म की बात नहीं है, मर जाने की बात नहीं है डूब के। ये बस खत्म, करो बात, अब बात करो। उर्दू ना? हाँ जवाब, अब उर्दू नहीं आती मेरी, बात पूरी समझ आ गई है। अच्छा उर्दू में मेरी बात पूरी समझ आ गई। सलीम साहब, देखा प्यारे पाकिस्तानियों, इसे सब पता है। सलीम साफ़ी का नाम मैंने तो नहीं लिया कि सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए मौलाना खुद तस्लीम कर चुके हैं। पीटीआई को मार पड़ रही थी, पीटीआई के लोगों को, एक साल से डेढ़ साल से जो लोग ये बड़े खुश हो रहे थे ना। मैं मशवरा दूंगा सारी सियासी जमातों को, बच जाएं, अपनी इज्जत बचा लें। तो मतलब इनको इमरान खान सिखा रहा है कि आवाम को क्या चाहिए। प्रोग्राम देखता हूं भाई, इतनी आवाम है, क्या करूँ, पटवारी नहीं मिल रहा। नाम क्या है? साकिब अली नवाज। साकिब भाई क्या करते हैं? मैं स्टॉल लगा, शॉपकीपर हैं, स्टॉल लगाते हैं। अच्छा फिर भी छोटा सवाल कर लूँ। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। सेहत कार्ड एक बंदे ने शुरू किया था, पहली बार उसकी हुकूमत आई थी केपीके में। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? जी जी। उसके बाद कॉपी किया, फिर नून लीग ने भी 2015 में बनाया था, ठीक है, उसको कॉपी करके। बाद लोग कहते हैं कि नून लीग ने बनाया था, वो कॉपी किया था। तो कॉपी जिसकी की जाती है वो अच्छी चीज़ होती है ना? जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़। अच्छी चीज़ की कॉपी भी कर ली और बंद भी कर दिया, ठीक है, बंद कर दिए। इमरान खान का क्योंकि पॉपुलर हो गया ना वो, ठीक है, आवाम को पता चल गया कि कोई किसी ने 70 साल बाद पाकिस्तानी गरीब कौम का भी सोचा है। तो जिन्होंने जिसने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, बनवाया, वो अच्छा था या जिन्होंने बंद कर दिया, अच्छा कौन है? जहरी सी बात है, जिसने किया बेनिफिट दिया वही अच्छा होगा, बाद में करने वाले तो अच्छे नहीं है ना। अगर आपका दोस्त है जो नून लीग की, वो उससे सवाल करूँ? नून लीग वाले तो नहीं बोलेगा वैसे। मेरा नहीं ख्याल वो बोलेगा सच भी नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपको कोई नून लीग का नजर आएगा। ज्यादातर जो है ना आपको तादाद पीटीआई की मिलेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि आस खास के रास्ते पे कौन है और कौन अच्छा चाह रहा है। ये स्टूडेंट लोग हैं या क्या है? नहीं, ये तो शॉपकीपर से, इनको छुट्टी वगैरह हुई है, टाइम ऑफ हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब आपके दोस्तों में पटवारी कोई नहीं है? नहीं, हमारे पटवारी इंशाल्लाह ना। मतलब कि स्प्रे कीता? नहीं स्प्रे नहीं कीता, लेकिन कि थोड़ा जा मामला ना जिस तरह नजर आता है ना आप लोगों को। अब देखे सच्चाई के साथ होना तो आपको सच्चाई नजर आती है। आप क्या कहते हैं कि बहुत कम लोग रह गए हैं उनके साथ? इसी तरह बेशक बहुत कम लोग हैं। अगर अब्बल तो आप भी कभी, आप भी कभी थे किसी दूसरी पार्टी के साथ? जी पहले पीपल पार्टी के साथ थे, शुरू से पीपल पार्टी के साथ थे, लेकिन जब हमें नज़र आया कि उसमें बेहतरी है तो हम उसकी तरफ चले गए। अभी भी कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं ना जो कि मतलब ऊपर से वो पीटीआई को शो नहीं करते, लेकिन अंदर से वो यही कहते हैं कि हमारा वोट पीटीआई के साथ है। मतलब थोड़ा सा वो खामोश वोटर, खामोश वोटर है इसी तरह के, जिस तरह उनके ताल्लुक होते हैं ना, बिलफर्ज मेरा कोई अच्छा बंदा है, कोई काम आने वाला है, ताल्लुक है उसके साथ। भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, क्या क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो? ये नोली किया है, कंफर्म कंफर्म नोली किया है, चैलेंज कर रहा हूँ, चलो जी चैलेंज कर रहा हूँ। भाई भाई सादा सवाल तो सुनो, जिसने सेहत कार्ड बनाया शुरू किया वो अच्छा था या जिन्होंने बंद कर दिया, अच्छा कौन से पूछ लो यार, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपका जमीर क्या कहता है कि जिन्होंने जिसने शुरू किया वो अच्छा था या जिन्होंने बंद कर दिया सेहत कार्ड वो अच्छा, अच्छा कौन है दोनों में? इससे फायदा ही नहीं यार, ये बातें ऐसे फजूल बातें हैं। निकला ना नोली की, मैंने कहा था ना नोली की है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि झूठ इनकी सबसे बड़ी पहचान है, इन्होंने झूठ बोलना है, बोलना है तो झूठ बोलना है, ठीक है। आप कसम उठाएं कि सेहत कार्ड का किसी को फायदा नहीं हुआ? चले कसम उठाएं। नहीं मैं नहीं उठानी, कहता कसम नहीं उठानी। मैं इस चीज की गवाही भी दूंगा और कसम भी उठाऊंगा। मैं हजारों लोग दिखा सकता हूं, मैंने खुद अपनी मेरी लाइफ तक के इलाज, लोगों के दिल के 10-10 लाख का खर्चा जो है ना, दिल के बाईपास हुए हैं इसी तरह, बेशक इसी तरह मेरे पास लोग मौजूद हैं, मेरे रिलेटिव्स के भी हुए हैं, मेरे दोस्तों यारों के भी हुए हैं, तो मेरी खुद ही से लाइफ। इमरान खान क्या करता तो आपको अच्छा लगता, चलो ये बता दो। क्या एक काम है? यार मैंने आपको पहले बताया, मुझे मतलब आपको अच्छा लगना ही नहीं है, वो जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। प्यारे पाकिस्तानियों, कहता जी जो मर्जी कर ले इमरान खान, अच्छा लगना ही नहीं है उसने। दूसरे चोर हों, उचक्के हों, लूट के मुल्क को खा जाएं, बिरौने मुल्क जहां मर्जी ले जाएं, कौमी खजाना ले जाएं, आपका पैसा ले जाएं, हमारे पैसे से पुल बना के, सड़क बना के कहते हैं वोट दो। भाई हमारे पैसे से बनाई है, हम वोट दें ना दें हमारी मर्जी। इमरान खान को वोट हम पहले भी देते थे, अब भी देंगे, वोट उसी की है। एक बात पूछूं, छोटी सी सवाल पूछूं, कहां से हो? मैं मरी से, अजारे वाली साइड से। मरी, अच्छा ईमानदारी से बताना,
के सड़कों पे सोने वाले गरीब मजदूर आज तक किसी हुक्मरान को नजर आए थे? नहीं। कभी किसी ने ये सोचा था कि ये बेचारे मजदूर दिहाड़ी नहीं मिलती होगी, रात को रोटी पता नहीं कहाँ से खाते होंगे, तो उनके लिए रोटी का इंतजाम कर दिया, फिर सर्दी में सोते कैसे होंगे, सोने का इंतजाम कर दिया, ठीक है। सेहत कार्ड पाकिस्तान की तारीख में, मतलब 70 साल का पाकिस्तान हो गया था, किसी ने सोचा ही नहीं सेहत की सहूलत देने का मुफ्त। तो पहला हुक्मरान आया उसने दी केपीके में, उसके बाद फिर जो कहते हैं ना कापी की थी नून लीग ने, जो सेहत कार्ड बनाया था वो कापी की थी 2013 के बाद इमरान खान, तो मतलब इनको इमरान खान सिखा रहा है कि वहां को क्या चाहिए, और वो खुद शुरू करके जो इमरान खान की नकल करके सेहत कार्ड बंद कर दिया आगे। हैं तो खैर खा कौन निकला फिर? इमरान खान की तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है। ये जो आज सड़कों पर जो सोए हुए हैं, जो गरीब आवाम है, ये सिर्फ नून लीग की वजह से हुई है। ये नून लीग का 30-40 साल में बड़ी मेहनत करके कौम को इस हालत में लाया गया है कि कौम को गुलाम रखा जाए, ठीक है। कौम हमसे डरे, हम सुबह उठ के 100 रुपए किलो आटा महंगा कर दें, कोई सड़क पे ना आए, ठीक है। ये लोग जो सोच रहे थे ना, जो लोग ये बड़े खुश हो रहे थे ना, पीटीआई को मार पड़ रही थी, पीटीआई के लोगों को 1 साल से 1.5 साल से, उन्होंने पूरी कौम को डराया है। उसके बाद कितनी महंगाई हुई है, कितनी, कोई आया सड़कों पे? ठीक है, इसीलिए कोई सड़कों पे नहीं आया, क्योंकि डराया कौम को इनको, इन्होंने समझा पीटीए के साथ जाती हो रही है। शायद खकान अब्बासी का गाँव गाँव मरी से वो पीटीआई में शामिल होने वाला है, पीटीआई में शामिल। नूली को छोड़ दिया उसने। अच्छा चलो जी, खबर अभी मेहताब अब्बासी भी आएगा। और लेकिन मैं नूली से, कोई नूली का बंदा है मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी छोड़ के और भी जाएंगे, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और भी छोड़ के जाएंगे, लेकिन उनको चोर कब कहना है इन्होंने जो छोड़ के जाएंगे, ठीक है। अच्छा पता क्या बात है, मैं मशवरा दूंगा सारी सियासी जमातों को, बच जाएं, अपनी इज्जत बचा लें। आप जब पार्टी छोड़ के जाता है ना कोई, आपकी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, जो इमरान खान के साथ जाता है उसको कहते हैं चोर। पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको कहते हैं ये चोर था। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये, सारी पार्टियां जो अपने अपने अंदर चोर है ना, उनकी एक लिस्ट बना के पहले छाया कर दे, सोशल मीडिया पे डाल दे, ताकि इमरान खान उनको ना ले कि ये चोर है। आसान हल, इससे आसान हल हो सकता है? कोई नहीं। ईमानदारी से बताइएगा, लिस्ट जारी कर दें कि ये हमारी पार्टी में चोर है, इमरान खान उनको नहीं लेगा। जब वो छोड़ के जाते हैं तो चोर कहना शुरू करते हैं, ये गलत है जी भाई। जब कहाँ से? मैं इंग्लैंड से आया हूँ। इंग्लैंड से? हाँ, इंग्लैंड से प्यारा पाकिस्तानी हमारे साथ। जब इस मुल्क में नमूसे रसालत का जो बिल पेश किया जा रहा था, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी है, आप सब लोग अपने हाथ पैर रख के कसम खाएं कि ये यूनिवर्सिटी किसी की मालकियत है, ये किस लिए बनाई गई है कि आप सब लोग कुरान पढ़े और पाकिस्तानियों के लिए आप कुछ सीखे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, इन्होंने इनके पर केस कर दिया है। अल कादर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो नई पाक की जहां सीरत पढ़ाई जानी थी, ठीक है, और उसका केस कर दिया अदालत ने, वो 190 मिलियन, वो एक वकील पांचवी जुमा तक जो है ना दीनी मरा उसका जो है ना कोर्स करवाने या सबक पढ़वाने का वो भी। अच्छा, जिस जो पांचवी जमात तक जो पहली बार केपीके में हुआ था ना, केपीके में भाई, केपीके से, हाँ केपीके का भाई बता रहा है कि जो पांचवी जमात तक जो हुआ था ना इस्लामी तालीम कुरान पाक तर्जमे के साथ, ठीक है, तो वो करने वाला यहूदी एजेंट, और जो नहीं करते थे वो क्या है फिर, उनका भी बता दो मुझे, कोई यार कोई जवाब दे दो मुझे। एक बात बताएं आप, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी लीडर ने किसी को भी ख्याल आया है कि ये मदीने की रियासत हम बनाएंगे पाकिस्तान को? मुझे बता दें पूरे मजमे में किसी को? यार कम से कम उस बंदे ने ये तो आके कहा है कि मदीने की रियासत बनाएंगे पाकिस्तान को, मुझे साबित कर देना किसी ने कहा है। अच्छा, ये कहते थे, ये इमरान खान को कहते थे लंगर खाने खोल दिए। एक भैया, भाई 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 साइड पे जाके गप लगा लो ना, भाई साइड पे जा। आप किस पार्टी से हो, किस पार्टी से? मौलाना फजल रहमान से। बोलो ना, आगे आओ ना, उधर उधर बहस कर रहे हो, आगे आओ मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के सिलसिले में एक सवाल है आपसे छोटा सा, आप सपोर्टर हैं पक्के? पक्के मौलाना फजल रहमान साहब के? बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली बात यह है कि जो ड्रोन हमले थे ना उन पे दस्तखत किए हुए थे कि आप करो, हम मजम्मत करते रहेंगे, ये अच्छी बात है, ये शर्म की बात नहीं है, मर जाने की बात नहीं है डूब के, ये बस खत्म। करो बात, अब बात करो। उर्दन समझाए? हाँ जवाब, अब उर्दू नहीं आती, मेरी बात पूरी समझ आ गई है। अच्छा, उर्दू में मेरी बात पूरी समझ आ गई, लेकिन बोलता ही नहीं, बोल भी रहा है। अच्छा बोल भी रहा है, बोल नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल जवाब दे दो भाई से, ले लेता हूँ मैं जवाब, उसको दे दो। माता साबित की कहते हैं ये दस्तखत नहीं किए उसने, दस्तखत नहीं किए, नहीं किया। लो जी, एक मिनट मैं अभी वीडियो क्लिप
जिसमें एंकर ने वो पूछ रहा है उससे, पता जी आपको, एंकर पूछ रहा है उसके टीवी का एंकर के वो ड्रोन हमलों पे दस्तखत आपने किए हुए थे, तो वो कहता है चलो अगली बात करो, इसको छोड़ो, वो खुफिया मामला था वो भाई। सलीम साफी का जो इंटरव्यू है ना, अच्छा देखा हुआ इसने, देखा हुआ इसने, इसको पता है सलीम साफी का। देखा प्यारे पाकिस्तानियों, इसे सब पता है, सलीम साफी का नाम मैंने तो नहीं लिया कि सलीम साफी को इंटरव्यू देते हुए मौलाना खुद तस्लीम कर चुके हैं कि ड्रोन हमलों की इजाज़त पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी इन मुनाफिकों से लड़ाई ही झूठ की है। ये मुनाफिक मुझे वो चीज़ साबित करने का कह रहा है जो मौलाना खुद तस्लीम कर चुके हैं, और ये खुद भी सलीम साफी वाला वो इंटरव्यू देख चुका है। यहाँ अब अगर मैं ये कहूँ तो फिर भी इनको तकलीफ होगी कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। भाई सादा सवाल कर लेते हैं, उलमा का वारिस, ठीक है, उसने हमें दीन सिखाना है, हम गलत करेंगे उसने हमें समझाना है, हम झूठ बोले उसने मना करना है, हम मुनाफकत करें उसने मना करना है मौलाना साहब ने हमें। मौलाना साहब आज से 20-30 साल पहले ये कहते थे कि औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में, कहते थे ना बेनजीर की बारी। अब पिछले 2-3 साल में देखा कि मरियम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे स्टेज, बिल्कुल होते हैं, ये सही बात है। अब जवाब होते हैं, ये कह रहे कौन सी जगह बोले वो उसके साथ, अभी वीडियो दिखाऊं, दिखा दो। अच्छा सलीम, एक मिनट सुनो, अच्छा सलीम साफी का शो इसने देखा हुआ था, झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है, सलीम साफी वाला शो इसने देखा हुआ है और मरियम के साथ नहीं देखा मौलाना को, क्या बात है, देखा है, देखा है, ओ भाई मारो मुझे मारो, देखा है, देखा है, मैंने यही कह रहा हूँ कि अब कैसे औरत की हुक्मरानी असल हो गई, अब औरत की हुक्मरानी हलाल कैसे, मुझे ये बात मुझे साबित कर दो, क्या साबित करूं, उसने बोला क्या, सुन तो लो ना, पूरी दुनिया को पता है कि उसने कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में मौलाना ने, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, अच्छा सुनो मुझे, और दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, इसको क्या कह रहे हैं ये हमें समझा दें कि आप इसको क्या कहना चाहते हैं। सादा सी बात है कि अगर वो भी दिखा दिया आपको तो आप करोगे क्या, ये बताओ, नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, आप इनसे क्या सर, चाहते हैं, सवाल पूछ, सर सवाल पूछ लिया ना उसने, अगर मैंने दिखा अगर दिया क्या, आपने नहीं दिखाया तो आप क्या करेगा, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ, पहले मैंने पूछा कि अगर वो भी दिखा दिया, आप मरियम के साथ तस्वीर दिखा दीजिए, बकायदा साथ लगे हुए कंधे के साथ कंधा मरियम नवाज के साथ, मरियम नवाज के साथ, उससे आपको कोई झटका लगा, आपको कुछ हुआ उससे, तस्वीर देख के कुछ नहीं हुआ ना, कोई शर्मिंदगी या कोई बात हुई नहीं, हुई ना, तो वो दिखा दूंगा तो क्या होना है आपको। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 20 साल, आप कितने साल के हो, मैं तो तकरीबन 20 साल का हूँ, 20 साल को, 20 साल से आपको पता है ड्रोन हमले हो रहे थे पाकिस्तान में, इमरान खान की वाहिद हुकूमत गुजरी है जिसमें एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, पता है आपको, पता है मौलाना हर हुकूमत में शामिल ड्रोन हमले भी होते थे। अच्छा ये बात सुनो, वो तो अलग बात है, वो तो अलग, मीडिया नहीं, हम मीडिया को नहीं बता सकते मौलाना ने दस्तखत क्यों किए थे, ये नहीं बता सकते, मौलाना साहब ने दस्तखत नहीं किया। चलो ऐसा करो कि मैं आपको खाना काबा लेके चलता हूँ अपने खर्चे पे, वहाँ जाके कहोगे कि मौलाना ने दस्तखत नहीं किए, आपने फिर जमात का वो दूसरे पे झूठ का इल्जाम लगाया कि आपने बोला जमात जान आया है, जमात को छोड़ दो ना, मौलाना का, अच्छा क्या कह रहा है, उसने दस्तखत किए थे ना सच के, ठीक है वो नहीं मान रहा, इनको पता है, अच्छा इनको पता है, अच्छा मसला ये है, मसला ये नहीं है, अच्छा कोई अनजान हो ना उस पर खुदा की कसम दुख नहीं होता जिसको पता ना हो, मेरा प्रॉब्लम मैंने जो सबसे पहले दिलों में डाला लोगों के कि ये सब कुछ पता होता है इनको, जो चोर का सपोर्टर है उसको पता है मेरा लीडर चोर है, जो ईमानदार का सपोर्टर है उसको पता है मेरा लीडर ईमानदार है, इनको पता है, तकलीफ की बात यह है, दुख की बात यह है कि इनको पता है फिर झूठ बोलते हैं, और असल हमारे मुआशरे की बर्बादी की वजह झूठ है बस। चलो भाई अच्छा क्या कहेंगे भैया कि इमरान खान के मुखालफिन की नज़र शेर है कि इंसानों के हाथ होते हैं पंजे नहीं, शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं, शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं, यार ये गलत बात है यार, ये नहीं मैं नहीं मानता यार, ये बुरी बात है यार, कौन सा शेर गंजा है, मैंने मैं नेशनल जियोग्राफी देखता हूँ वहाँ तो कोई शेर गंजा नहीं होता, वही कह रहा हूँ ना कि शेर बालों वाले होते हैं गंजे नहीं, नहीं एक और बात है बड़ी मजे की कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ भागने वाले को शेर कहते हैं, ये भी तो देखें, ये भी तो एक बड़ी बात है ना।
ठीक है जी प्यारे पाकिस्तानी, इतनी आवाम में कोई प्यारा पाकिस्तानी, प्यारा पटवारी नहीं पटवारी, अच्छा नहीं नहीं पटवारी गाली नहीं है प्यारे पाकिस्तानी, पटवारी पे माइंड ना किया करो। पटवारी मैंने तब कहना शुरू किया इनको जब इनके लीडर ने इनको भिखारी कहा, जब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बन के भिखारी कहा ना सबको, पूरी कौम को कह दिया वैसे तो, लेकिन शायद सोच ही इतनी है लिमिटेड, मतलब बाहर दूसरे मुल्कों के गुलाम और अवाम इनकी गुलाम, यही तो चाहते हैं ये। आगे चलते हैं प्यारे पाकिस्तानियों, यार थोड़ा पीछे हो जाओ जी, दिखा दो जरा ताकि ये ना हो कि पता नहीं अकेला सड़कों पे बातें करता रहता है। इतनी अवाम है, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई 14 पार्टियों का सपोर्टर, अब मैं नून लीग नहीं कहता, 14 पार्टियाँ एक ही बात है सारे, एक ही चीज़ है सारे, लेकिन मशवरा फिर वही है सारी पार्टियों को कि आपके लिए बेहतर मशवरा ये है कि एक निशान चुने, बेशक शेर ही चुन लें, एक निशान पे सारे इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, उसको जेल में रहने दें, ये भी चैलेंज है, सही कह रहा हूँ जी, उसको उसको जेल में रहने दें, सारे एक निशान पे इलेक्शन लड़ें और जीत के दिखा लें।